किसान दोस्तों नमस्कार, मैं प्रीतम सिंह आईआर फेलो फार्मर। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसी कड़ी में हमें नई तकनीकियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है पूसा समाचार। पूसा हमारे देश का एक अग्रणी संस्थान है और इस संस्थान के डायरेक्टर साहब की दूरगामी सोच का परिणाम है कि उन्होंने पूसा समाचार चालू किया, जिससे कि किसानों को होने वाली समसामयिक घटनाओं, कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकियों, उसके बारे में जानकारी अवगत करवाता है हमें। तो हर किसान को ये समाचार पूसा समाचार से जुड़ना चाहिए, जो कि YouTube पे उपलब्ध है। नमस्कार, सभी दर्शकों को अवनीश त्यागी का प्यार भरा नमस्कार। पूसा एपिसोड हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। समय समय पर वैज्ञानिक ही अवगत कराते रहते हैं कि इसमें किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और किस प्रकार उनका निदान होता है। पूसा समाचार के प्रत्येक एपिसोड के अंत में जो पूसा समाचार टीम हमको मौसम संबंधी जानकारी देती है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। इसमें आने वाले सप्ताह के लिए हम मौसम से सचेत हो जाते हैं और इसके अनुसार हम अपनी फसल का बोते हैं या अपनी फसल को काटते हैं, कटाई करते हैं। मेरा नाम धर्मपाल त्यागी, गांव बादशाहपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ और मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारा 100वां एपिसोड आ रहा है जो पूसा समाचार का है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ निर्देशक महोदय श्री AK सिंह साहब, जो समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और जैसे जो फसल खरीफ और रबी की होती है पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कोई कीटनाशक आने की संभावना होती है तो किसान सचेत हो जाता है। और दूसरा, जो सीड को बीमारियों से बचाना होता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस फसल में कितनी दवाई कितनी मात्रा, इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है और इससे मैं समझता हूँ और किसानों की भी कुछ आय बढ़ी होगी, मेरी तो काफ़ी बढ़ी है। नमस्कार जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, किसान, मैं पलवल का रहने वाला हूँ। उषा संस्थान के द्वारा प्रति शनिवार को शाम 7 बजे एक खेती से संबंधित समाचार प्रसारित किया जाता है। हम इसे देखते हैं और इससे तकनीकी लाभ उठाते हैं। मैं ये खुद भी लाभ उठाता हूँ और अपने किसान भाइयों को भी बताता हूँ, वो भी इसका लाभ उठाते हैं। कोई समस्या होती है तो हम व्हाट्सएप के द्वारा उनसे संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पर वो अपना सवाल भेज देते हैं और अगले एपिसोड में उसका निवारण बता दिया जाता है। मौसम से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। हम चाहते हैं कि आगे चलता रहे और हम किसान भाई इसका लाभ उठाते रहें।